हेलो दोस्तों, प्रोफेशनल शॉट किलर कैसे बनाए? मोबाइल का बैटरी और लैपटॉप का बैटरी या पावर बैंक का बैटरी? लैपटॉप का बैटरी और पावर बैंक का बैटरी दोनों सेम रहता है, ठीक है। तो कैसे शॉट किलर को बनाना चाहिए, मेरा ये वीडियो देख लो। तो सबसे पहले आपको दिखाएगा, अभी यहाँ पे देखो, जो मेरा पास बैटरी है, दो बैटरी, ये हो गया लैपटॉप का बैटरी। तो इसमें प्लस माइनस दिखाई दे रहा है, ठीक है आपको। तो इस बैटरी का जो प्लस होता है, प्लस का साथ जोड़ना पड़ेगा और माइनस माइनस का साथ जोड़ना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। और इसमें जो तार आप लोग यूज करेगा, वो तार होना चाहिए 1 mm का, जो घर पे लगाते हैं हम लोग वायरिंग तार, ये 1 mm का होना चाहिए। मेरे पास अभी 1 mm का तार नहीं है, ऐसी नॉर्मली तार है, इसी से आपको करके दिखाएगा। लेकिन आप लोग इसमें 1 mm का यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी जोड़ते हैं प्लस प्लस का साथ में, ठीक है। कुछ इस तरह से जोड़ना पड़ेगा आप लोगों को, और ये 100% काम करता है। मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया शॉर्ट किलर के बारे में, आप लोगों को समझाने के लिए बहुत ही कोशिश किया, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट करते रहता है भाई शॉर्ट किलर को कैसे बनाए, कैसे यूज़ करें, ठीक है। अभी ये वीडियो देखने के बाद में शायद 100% सीख जाएगा शॉर्ट किलर कैसे बनाए और इसको कैसे यूज़ करें, मेरा नेक्स्ट वीडियो में दिखाएगा आपको। तो दोस्तों इसी तरह माइनस को भी जोड़ दो, लेकिन जो वायर है ये 1 mm का होना चाहिए, ठीक है। तो आपको सिर्फ दिखाने के लिए, मेरे पास 1 mm का तार भी नहीं है, इसलिए नॉर्मल तार से आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह कुछ जोड़ने के बाद में आपका बन गया शॉर्ट किलर। अगर दो सेल है फिर भी चलेगा, तीन सेल, चार सेल, जितना भी सेल होता है आपके पास, सब जोड़ दो इसी तरह। हर एक सेल का प्लस प्लस का साथ जुड़ा रहेगा, माइनस माइनस का साथ जुड़ा रहेगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन मिनिमम दो सेल होना चाहिए। तो ये हो गया शॉर्ट किलर। तो ये 100% काम करता है, आपको कुछ चेक करके दिखाता है। यहाँ पे देखो, कितना ये खतरनाक है, देखो यहाँ पे। सबसे पहले इसका वोल्टेज चेक करते हैं, यहाँ पे देखो 3.7 वोल्ट होना चाहिए, 3.7 से लेके 4.2 वोल्ट का अंदर ही होना चाहिए, ठीक है। ऐसे कुछ आ रहा है। इसका पावर देखो कितना अच्छा है, देखो जो भी कैपेसिटर रहेगा शॉर्ट 100% जल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अभी मोबाइल का बैटरी से कैसे बनाते हैं इसके बारे में बोलेगा, ठीक है। मोबाइल का बैटरी में एक सर्किट रहता है, ठीक है। इस सर्किट को आप लोगों को निकलना पड़ेगा, सिर्फ सेल चाहिए हम लोगों को शॉर्ट किलर बनाने के लिए, सिर्फ सेल चाहिए, सर्किट नहीं चाहिए, ठीक है। ये सर्किट को निकाल दो। सर्किट निकलने के बाद आप लोगों को तो मालूम नहीं चलेगा प्लस कौन सा है, माइनस कौन सा है, इसलिए मीटर यूज़ करो, मीटर में चेक करो प्लस कौन सा है, माइनस कौन सा है, ठीक है। इसी तरह दोनों बैटरी का सर्किट निकाल दो, अगर मोबाइल का बैटरी से आप करते हैं तो। करने के बाद आपको सिर्फ चेक करना है प्लस कौन सा है, माइनस कौन सा है। माइनस माइनस में जोड़ना पड़ेगा, प्लस प्लस में जोड़ना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी बनाया पावर बैंक का बैटरी से, ठीक है। इसी तरह मोबाइल का बैटरी से भी बनता है, लेकिन आप लोगों को मोबाइल का जो सर्किट होता है, इस सर्किट को निकल के फेंकना चाहिए, सिर्फ सेल चाहिए, ठीक है। तो ये साइड का हो गया प्लस, और मिनिमम दो बैटरी, अगर तीन रहेगा और भी अच्छा है, अगर चार रहेगा और भी अच्छा है। तो इसी तरह प्लस माइनस को चेक करके फिर सेम टू सेम जैसे मैंने किया पावर बैंक का बैटरी से, इसी तरह इसमें भी करना चाहिए।
ये हो गया प्लस, प्लस का साथ ये जुड़ना पड़ेगा, लेकिन इसमें भी 1 mm का ही तार चाहिए। ठीक है दोस्तों, और ये जो पतला वायर होने से आपका अच्छे से काम नहीं करेगा, जितना मोटा तार लगाएगा आप उतना अच्छा रहेगा। तो इस तरह बनाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसी तरह जोड़ दो। ये बन गया आपका शॉट क्लच, और इसको यूज करने का तरीका नेक्स्ट वीडियो में बताएगा। ठीक है, और इसका भी पावर अभी चेक करेगा कितना बढ़िया है। यहाँ पे देखो, जो भी कैपेसिटर खराब होगा 100% जल जाएगा। ठीक है, अभी ये वीडियो देखने का बाद में आप लोगों को शॉर्ट क्लियर खरीदना नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से काम करते रहो, 100% काम करता है। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरा चैनल को।